आखिर क्यों रानी मुखर्जी शाहरुख खान को देख सेट पर हंस पड़ी और क्यों यश चोपड़ा ने सेट के बीच में गुस्से से रानी को डांटा। रानी मुखर्जी बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े स्टार्स के साथ सुपरहिट फिल्में दी हैं। रानी अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती है। उनकी फैन फॉलोइंग भी बेहद जबरदस्त है। वही उन्होंने साल 2004 में यश चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म वीर ज़ारा में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के साथ काम किया। बता दें कि इस फिल्म में रानी मुखर्जी का किरदार छोटा सा था, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया था। अब उन्होंने फिल्म से जुड़ा एक रोमांचक किस्सा शेयर किया है। रानी ने बताया कि यश चोपड़ा ने उन्हें शूटिंग के दौरान डांटा था। वही द कपिल शर्मा शो में बंटी और बबली 2 के प्रमोशन के दौरान रानी मुखर्जी ने फिल्म वीर ज़ारा से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। रानी ने बताया कि वीर ज़ारा के सेट पर निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें डांट लगाई थी। इसके साथ ही उन्होंने इसकी वजह भी बताई। मेकर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू की तो रानी और शाहरुख खान के किरदारों के बीच उम्र का बहुत अंतर था। उनके रिश्ते को लगभग एक पिता और बेटी के रूप में दिखाया गया था। इसके आगे उन्होंने बताया कि उस समय उनके लिए यह किरदार निभाना काफी मुश्किल हुआ, क्योंकि उन्होंने हमेशा शाहरुख के साथ अपोजिट एक्ट्रेस का ही किरदार निभाया था। दोनों सितारों ने चलते चलते कभी अलविदा ना कहना और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों में काम किया है। ऐसे में इस फिल्म में रानी ने जैसे ही किंग खान को सफेद बालों में देखा तो वह अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उन्हें देखने के बाद शाहरुख भी हंस पड़ते थे। ऐसे में यह कई बार हुआ जिसे देख डायरेक्टर यश चोपड़ा अपना आपा खो बैठे और सेट पर सबके सामने रानी को डांट लगा दी। इसके बाद दोनों ने अगला शॉट एकदम सही दिया और हर कोई उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुआ। बता दें कि अपनी रिलीज के बाद वीर ज़ारा एक हिट फिल्म साबित हुई और मूवी ने दुनिया भर में लगभग 100 करोड़ रुपए का कारोबार किया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वाया टॉक को अभी सब्सक्राइब करें।